छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से अंबिकापुर स्थित निगम के गोदाम में लाखों रुपए की किताब रद्दी हो रही हैं। यहां करीब 10,000 किताबें पहले से ही रद्दी होकर पड़ी हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में पाठ्य पुस्तक निगम टेंडर कर नीलाम करने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर 20,000 से ज्यादा किताबें 7 सालों से गोदाम में धूल खा रही हैं। गोदाम में किताबों का अंबार, कहीं किताबें बन ना जाएं कबाड़। किताबें अगर बोल सकती तो ये जरूर कहती कि गोदाम में पड़े पड़े मेरे दम तोड़ने से पहले मुझे एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार। अंबिकापुर में निगम के गोदाम में रखे रखे लाखों रुपए की किताबें रद्दी हो रही हैं। इन पर धूल जम चुकी है और इन्हें दीमक खा रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, और ऐसा ही हो रहा है। पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा अधिक संख्या में किताब छापने की वजह से और जो पुस्तकें हैं, जो बच्चों के लिए जो पुस्तकें छापी गई हैं, वो अब रद्दी होने के कगार पर हैं। तो वहीं 5 से 7 साल से इस गोदाम में लाखों रुपये का किताब अब रद्दी हो चुका है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन किताबों को रद्दी में बेचने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए छापी गई किताबें, पाठ्य पुस्तक निगम ने ज्यादा किताबें छापी। गोदाम में करीब 10,000 किताबें रद्दी हो रही। 2017-18 में प्रकाशित किताबें खा रही धूल। निजी दुकानदारों को भी किताबें नहीं बेची गयी। 7 साल से गोदाम में पड़ी किताबें रद्दी हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार मुफ्त में किताबें उपलब्ध कराती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के पाठ्य पुस्तक निगम को किताब छपाई के लिए मांग पत्र भेजा जाता है, जिसके आधार पर निगम किताबों की छपाई करता है। लेकिन लापरवाही की वजह से जरूरत से ज्यादा किताबें छाप दी गयी। इतना ही नहीं, 2017-18 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक भी यहाँ धूल खा रही है। गोदाम में 7 साल से पड़े पड़े लाखों रुपए कीमत की किताबें अब रद्दी होने की कगार पर पहुँच गयी है। पिछले 7 सालों से किताबें इसी तरीके से पड़ी हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा वजह है कि सरकार ने तब तय किया था कि 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकें होंगी उन्हें बेचा जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन किताबों की डिमांड नहीं है। इसके वजह से एक बुक आज भी यहाँ पड़े हुए हैं और इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। प्रशांत, दिखाइएगा किस तरीके से किताबों में धूल जम चुका है। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से किताबों में धूल जम चुका है, और यही वजह है कि अब एक किताब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनका उपयोग करना, जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो अधिकारी हैं वो इसको बदलाव कर दें इन किताबों में, और ये किताबें भी कबाड़ में तब्दील हो जाएं। प्रशांत, मैं आपको दूसरे कमरे में गोदाम का ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप दिखाएंगे कि किस तरीके से किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, और यहाँ भी ये किताबें अब कबाड़ हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो दूसरे कमरे में जो गोदाम में रखा हुआ जो किताब है ये रद्दी हो चुका है, और जब इसके लिए पाठ्य पुस्तक निगम से आदेश किया जाएगा कि इन किताबों को बेचना है, तब फिर निर्णय लिया जाएगा, और फिर इस रद्दी में इसको बेचने के लिए तय किया जाएगा कि आखिर किस रेट पर इन किताबों को रद्दी में बेचा जाए। ये पहला गोदाम नहीं, प्रदेश में ऐसे 6 गोदाम हैं जहां करीब 1 लाख से ज्यादा किताबें धूल खा रही हैं। गोदाम प्रभारी का कहना है कि किसी को टेंडर मिलेगा तो उसे किताबें दी जाएंगी, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा कहते हुए कई साल बीत गए, 1 लाख से ज्यादा किताबें धूल ही खा रही हैं। सर, वो तो शासन से ही परिवर्तन हुआ है, उसको अलग रखे हैं, अप्रचलित किताबें हो गई, उसको अलग रख दिए। वो लगभग 7-8 हज़ार की लगभग होगा संख्या, और बाकी तो प्रचलन वाला अलग रखे हैं, वो अलग है। नहीं, वितरण के अनुसार ही छपता है, जैसे संभाग में जितना वितरण हो, संख्या है उसके अनुसार वितरण होता है, उसके अनुसार छपता है। कुछ कहीं डिमांड कम कहीं ज़्यादा आता है, उस हिसाब से थोड़ा होता है, हर साल थोड़ा बहुत बचता है। किताबें तैयार करने को लेकर प्रदेश भर से शिक्षक और विशेषज्ञों के कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल, साथ ही ने स्टोर करने में मशीनों और कंप्यूटर से टाइपिंग तक का सारा खर्च और मेहनत यूं ही बर्बाद हो रही है। तो वहीं जिन जरूरतमंद बच्चों के लिए इन किताबों को छापा गया वो किताब से ही वंचित हैं। इस गड़बड़ी पर पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गोदाम के जो प्रभारी हैं उनका कहना है कि हमें हमारे उच्च अधिकारियों से निर्देश है कि हम इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अधिक संख्या में किताब छापने के बाद किताबों को रद्दी करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़।